यूपी के बांदा में गुरुवार को विशेष डकैती कोर्ट ने 15 साल से चल रहे एसटीएफ के जघन्य सामूहिक हत्याकांड मामले में 13 मुलजिमों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामले से जुड़े 13 मुलजिमों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 22 जुलाई 2007 को फतेहगंज थाना इलाके के बघोलन गांव के जंगल में दस्यु अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया गैंग द्वारा मुठभेड़ से लौट रहे एसटीएफ जवानों की गाड़ियों में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 एसटीएफ के जवानों की मौत हो गई थी, वहीं 8 जवान घायल भी हुए थे। दरअसल ये मामला 22 जुलाई 2007 का है, जब चित्रकूट में डकैतों का बड़ा आतंक था। आईपीएस अमिताभ यश अपनी एसटीएफ टीम के साथ चित्रकूट के जंगलों में डेरा डाले हुए थे और डकैतों के सफाए के लिए मिशन छेड़ रखा था। इस दौरान एसटीएफ और डकैतों के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुई थी। इस दौरान मयादीन पटेल डकैत, जो कि ठोकिया गैंग का सक्रिय सदस्य था, जिसका एनकाउंटर कर एसटीएफ की टीम लौट रही थी, उसी दौरान घात लगाकर बैठे कुख्यात डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया गैंग द्वारा जंगल में घेर कर फतेहगंज थाना इलाके के बघोलन गांव के पास गाड़ियों में बैठे एसटीएफ जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे गाड़ी में बैठे 7 एसटीएफ के जवानों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में 8 जवान गोली लगने से घायल हो गए थे। 7 महीने तक पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद 16 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसको वारदात का मुख्य आरोपी पाया गया था। सभी हत्यारोपी डकैतों में 2 नाबालिग और 14 अन्य लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें डकैत अंबिका पटेल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। वहीं 2 नाबालिगों का केस चित्रकूट में चल रहा है और 13 मुलजिमों को गुरुवार को 15 साल बाद विशेष डकैती न्यायालय बांदा में आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। इसमें एसटीएफ के 7 जो है कमांडो जो है वो जवानों का आम जो मर्डर नरसंहार जो किया गया था, उसी फाइल में मैंने अनीस को जो तलब कराया था, उसी में जो मेरे को जो धमकी मिली थी, आज जो फैसला हुआ है उस फैसले में इस समय जो जेल में बंद है 13 मुलजिमों को उसमें 7/25/35 आर्म्स एक्ट और 4/5 एक्सप्लोसिव एक्ट में दोष मुक्त किए गए हैं सभी लोग, 13 लोग, और 147, 148, 149, 307, 302 और 11/12 डकैती एक्ट में सभी को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हमारा 2007 में एसटीएफ के कुछ जवान अपनी कामिंग करके वो ऑपरेशन पे आ रहे थे, तो ये ठोकिया गैंग के पहाड़ी से लेकर के इनको बड़ी बेरहमी से इनको ऊपर से गोली, जिसमें 7 एसटीएफ के जवान शहीद हुए थे, और वो मामला ये चलता रहा। 16 लोग कुल मुलिम थे, 2 जुबनाइल थे, 1 की मौत हो गई थी, फौत हो गई थी, 2 का मामला कर्बी में चलता रहा, बाकी 13 तो ये साथी जो हमारे ये मंबिल साथी हैं, ये इन्होंने पूरे मुकदमे को शिद्दत से लड़ा और इनमें आजीवन कारावास की सज़ा 302 में, और जो अपनी अपराध है 12 डकैती उसमें 20-20,000 रुपया और 107 में 2-2 साल, लेकिन सजाएं सब 1 साल चलेंगी। नाबालिग जो थे वो जो नाबालिग को कर्बी में जुबनाइल कोर्ट पे चल रहे थे। किस घटना को अंजाम दिया था, कब दिया था ये घटना? ये तो संदिग्ध अपराध है, इन्होंने ये हत्या, ये सामूहिक हत्याकांड था, एसटीएफ का ये सामूहिक हत्याकांड था।